तो डेंटिन को तीन से बने डेंटिकल्स या दांत नुमा संरचना उस भोजन को पीसने का या ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। इस तरह से भोजन यहाँ पर बड़े टुकड़ों में है, वो धीरे धीरे इन डेंटाइन या डेंटिकल्स के द्वारा उनको छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड जो है वो फिर आगे चलकर मिडगट में पहुंचता है। अब आप देखिए कि जो एंटीरियर पार्ट है उसमें लेब्रम और निचला जो होस्ट है उसे कहते हैं लेबियम, और लेबियम और माउथ के बीच के अंदर जो स्थान है वो कहलाता है सेलिवेरियम। सेलिवेरियम इसलिए कहते हैं क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जो सलाइवा है वो आकर भोजन में मिलता है जिससे भोजन का पाचन और स्टलाइजेशन होता है। तो ये जो सलाइवेरियम है यहाँ पर ओपनिंग है इसकी, सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वोयर की ओपनिंग है। तो ये जो है वो है लेफ्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये लेफ्ट सलाइवरी रिजर्वोयर है, इन दोनों की ओपनिंग यहाँ पर। और ये जो दूसरी ओपनिंग है ये राइट, ये है टू राइट सलाइवरी ग्लैंड एंड राइट सलाइवरी रिजर्वोयर, उसकी ओपनिंग है। तो एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड और एक जोड़ी सलाइवरी रिजर्वोयर पाए जाते हैं क्योंकि सलाइवा का जो संग्रहण है वो सलाइवरी रिजर्वोयर में किया जाता है। तो जब भी भोजन इंसेक्ट भोजन लेता है तो इस रिजर्वोयर से ही सलाइवा आकर सेलिवेरियम और सेलिवेरियम से माउथ तक पहुंचता है। ये अंतर है हमारे ह्यूमन बींग के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उनकी ओपनिंग मोस्टली माउथ में होती है डायरेक्ट, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इनकी जो ओपनिंग डायरेक्ट माउथ में नहीं है बल्कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है निचले ओस्ट या लेबियम के जस्ट ऊपर, यहाँ पर सेलिवेरियम, यहाँ पर आने के बाद ये सलाइवा माउथ में जाता है। और सलाइवा का सीक्रेशन आपको पता ही है जब भोजन की उपस्थिति होती है तब भी होता है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्री केनाल है पूरी, इसको सपोर्ट करने के लिए पूरी आहार नाल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो इसको सहारा प्रदान करती हैं। इसके अलावा इसको सपोर्ट प्रदान करने का काम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ट्रेकी और ट्रेकियोल्स भी करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जो ट्रेकी और ट्रेकियोस आहार नाल तक कंटिन्यूस होते हैं तो वो भी आहार नाल को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। इस तरह से फोरगट या स्ट्रोंगोडियम जिसका निर्माण इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोड्रम के द्वारा होता है, और इस फोरगट की जो दीवार है वो एपिथीलियल सेल्स के द्वारा बनी होती है जिसके ऊपर नॉन सेलुलर बेसमेंट लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं बेसल लेमिना या फोरगट इंटीमा। ठीक है, अब क्रोप, क्रोप ये देखिए आप, क्रोप है ये बाहरी एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, इसके भीतर फोरगट इंटीमा है। तो फोरगट इंटीमा गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस में नहीं है, इसमें डेंटिकल्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोरगट, अब मिडगट या इसे मिजेंट्रॉन और वेंट्रिकुलस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेन जो पार्ट है वो है वेंट्रिकुलस, सबसे बड़ा जो भाग है वेंट्रिकुलस, और इंसेक्ट के आहार नाल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो डाइजेशन है प्लस एब्जॉर्प्शन है वो होता है मिडगट में। मिडगट का निर्माण एंडोड्रम के द्वारा होता है और इसकी जो आंतरिक सतह है मिडगट की या वेंट्रिकुलस की वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के द्वारा स्तरित होती है। जैसे आप देखिए मिडगट और फोरगट का जो जंक्शन प्लेस है या गिजार्ड के बाद यहाँ से मिडगट शुरू होती है, तो मिडगट जहाँ से शुरू होती है वहां पर एक से अधिक स्ट्रोमोडियल वाल्व पाए जाते हैं। स्ट्रोमोडियल वाल्व, एक जोड़ी स्ट्रोमोडियल वाल्व पाए जाते हैं और एक जोड़ी गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी गैस्ट्रिक सीका, ये एक जोड़ी स्ट्रोमोडियल वाल्व। स्ट्रोमोडियल वाल्व का जो काम है वो है एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय में
क्रोप से या गिजर्ड से भोजन को वेंट्रिकुलस में जाने देता है, अर्थात जो पैसेज है या जो मूवमेंट है भोजन का उसको नियंत्रण करने का काम स्टोमोडियल वाल्व करते हैं, और इन स्टोमोडियल वाल्व के अंदर स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, कर्माकुंची पेशियां पाई जाती हैं, वो एक नियत समय अंतराल से एक नियत मात्रा में निश्चित मात्रा में भोजन को गिजार से वेंट्रिकुलस में आने देते हैं। गैस्ट्रिक जो सीका है, इन गैस्ट्रिक सीका के अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वाधिक मात्रा में भोजन का जो पाचन है और अवशोषण है वो वेंट्रिकुलस में होता है। वेंट्रिकुलस का जो एंड पार्ट है, ये अंतिम भाग है, वो इसके द्वारा नियंत्रित होता है, पाइलोरिक वाल्व के द्वारा नियंत्रित होता है। पाइलोरिक वाल्व के बाद पाइलोरिक एम्पुला। अब आप देखिए, जो पाइलोरिक एम्पुला है ये वो स्थान है जहां पर एक जोड़ी या मेल पीवियन ट्यूब्यूल्स जुड़े रहते हैं आहार नाल से। पाइलोरिक वाल्व का क्या काम है, एक निश्चित मात्रा में भोजन को हाइंडगट तक जाने देना या एंटीरियर इंटेस्टाइन तक जाने देना। मिडगट जो है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट आते हैं, स्टोमोडियल वाल्व आते हैं, स्टोमोडियल वाल्व के अलावा गैस्ट्रिक सीका आता है, वेंट्रिकुलस और मेल कुछ पार्ट मेल पीवियन ट्यूब्यूल्स का मिडगट वाले पार्ट में आता है, क्योंकि ये एसी का भाग नहीं है मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये उत्सर्जी अंग है, लेकिन मेल पीजियन का कुछ भाग पार्ट जो है वो मिडगट वाले भाग में आता है। मिडगट की जो आंतरिक सतह है वो कोलुमनर डाइजेस्टिव सेल्स के द्वारा स्तरित होती है, और भोजन को चारों ओर से कवर करने के लिए पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है हाइंडगट प्रोक्टोडियम। पहले बताया था मैंने हाइंडगट का निर्माण भी इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म ड्यूरिंग मोल्टिंग, मोल्टिंग के दौरान एक्टोडर्म के जो इन्वेजिनेशन है उनसे हाइंडगट का निर्माण होता है, और फोरगट के समान ही हाइंडगट का जो आंतरिक स्तर है वो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल के द्वारा स्तरित होती है, और इंटीमा पाया जाता है, अर्थात एक लेयर एक परत पाई जाती है जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है उनके ऊपर, एक क्यूटिकल की लेयर जिसे इंटीमा इंटेस्टिनल इंटीमा या हाइंडगट इंटीमा उसे कहते हैं। हाइंडगट पार्ट के अंदर एंटीरियर इंटेस्टाइन और एंटीरियर इंटेस्टाइन के अलावा पाइलोरिक वाल्व और पाइलोरिक एम्पुला और रेक्टम और एनस, ये भाग सम्मिलित किए गए हैं। एक्चुअली जो एंटीरियर इंटेस्टाइन है वो डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, उसका जो अग्र भाग है एंटीरियर इंटेस्टाइन विभेदित होती है किसमें, अग्र भाग तो है वो इलियम में और उसका जो पश्च भाग है वो कोलोन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलियम और कोलोन का लेबलिंग नहीं किया गया है, एक्चुअली वो उसका डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पर ये पूरी जो है एंटीरियर इंटेस्टाइन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, मिडगट जहाँ खत्म होती है या पाइलोरिक एम्पुला, वहाँ से एंटीरियर इंटेस्टाइन शुरू होती है और अंतिम जो भाग है वो एनस के द्वारा बाहर खुलता है। एनस से पहले एक थोड़ी बड़ी संरचना जहाँ रेक्टम, क्योंकि रेक्टम का क्या काम आपको बताई है, उस समय के लिए अपचित जो वजन है उसको स्टोर किया जाता है। एंटीरियर इंटेस्टाइन और रेक्टम की जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स है उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो पानी के लिए बहुत अधिक परमेबल होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब अपचित भोजन या फेसल मैटर एंटीरियर इंटेस्टाइन और रेक्टम से गुजर रहा होता है उस समय ये सेल उसके अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को अधिक से अधिक मात्रा में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इंसेक्ट की बॉडी में पानी की कमी नहीं हो सके। आपको बताई है कि इंसेक्ट जो है वो उत्सर्जन के आधार पर यूरिको टैलिक होते हैं, यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तब ये समरी के रूप में आहार नाल के तीन भाग हैं, फोरगट
और मिड गट और हाइंड गट, थ्री पार्ट्स हैं। तो जो आहार नाल है वो वन थिक लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स लाइंग ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसल लेमिना। पहला जो भाग है वो फोरगट स्टोमोडियम एक्टोड्रम के इन्विजिनेशन के द्वारा बना है। फोरगट के अंदर जो आहार नाल के जो भाग है उसमें माउथ, फेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, इसोफेगस, प्रो विजार्ड या प्रो वेंट्रिकुलस। मिडगट जो है वो मिजेंट्रोन कहलाती है या वेंट्रिकुलस, इसका निर्माण मिजोड्रम के द्वारा होता है और ये लाइन बाई कोलुमनर डाइजेस्टिव सेल्स, कोलुमनर डाइजेस्टिव सेल के द्वारा स्तरित होती है। इसके अंदर जो पार्ट आते हैं आहार नाल के वो स्टोमोडियल वाल, गैस्ट्रिक सीका, वेंट्रिकुलस और मेलपीजियन ट्यूबुल्स का कुछ भाग, पूरा नहीं आधा भाग। तीसरा पार्ट है हाइंडगट, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, ये एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स के द्वारा निर्मित लाइन बाई क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स, दे आर कवर्ड बाई क्यूटिकल। पहले बताया मैंने फोरगट और हाइंडगट का जो आंतरिक सतह है वो क्यूटिकुलर सेल्स के द्वारा स्तरित होता है जिसे फोरगट इंटीमा और हाइंडगट इंटीमा कहते हैं। हाइंडगट के अंदर आहार नाल के आने वाले जो भाग हैं वो है पाइलोरिक वाल, पाइलोरिक एम्पुला, एंटीरियर इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एंटीरियर इंटेस्टाइन एक्चुअली डिफ्रेंशिएट होती है, उसका जो अग्र भाग है वो विभेदित होता है इलियम में और जो पश्चिम भाग है वो विभेदित होता है कॉलोन में। इस तरह से एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एसी ऑफ इंसेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके आगे प्रत्येक पार्ट की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और उसका जो कार्य है वो नेक्स्ट टर्न पे हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।